बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को फाइंड करते हैं, जबकि हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और ए प्लस बी प्लस सी दोनों के वैल्यू हमें क्या है गिवन है और हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को फाइंड करते हैं। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हम यूज करते हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है 12। तो मैं यहां पे लिखता हूं 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 56। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, 56 प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है, इसको हम फाइंड करते तो अपनी जगह पे लिख के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब यहां पे देखिए 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। किस तरह, 12 जा 144 क्या आता है, 144 इज इक्वल टू। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये है, आप लोग के जहन में भी शायद आया हो, वो ये है कि 56 प्लस 2 ये दोनों आपस में एड नहीं होता। क्यों एड नहीं होता, कि ये 2 वहां पे मल्टीप्लाइड है किसके साथ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए ये एड नहीं होता। तो 56 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको अपनी जगह पे लिखिए। अब यहां पे देखिए हम इसको फाइंड करते हैं, इसके साथ जो जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है उसको हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये 56 एडिशन में है, इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो यहां पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 56 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइडों से 56 को सब्ट्रैक्ट करें, तो 144 माइनस 56 इज इक्वल टू 56 माइनस 56 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये दोनों कैंसिल होते, 144 माइनस 56 इज इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड है इसके साथ, तो हम ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करते, तो मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे 2 को क्या करें, डिवाइड करें, तो 88 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 2। यहां पे 2 2 के साथ क्या होते, कैंसिल होते, और 88 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड हो गया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ देखिए, वो भी इसी तरह है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, तो मैं उसको भी सॉल्व करता हूं। तो देखिए आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसकी इक्वल है, 12 की इक्वल है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अपनी जगह पे लिखे, अगेन वही मिस्टेक आप ना करें कि ये 2 और 12 को आप ऐड करें, इसको ऐड करना नहीं है। 5 स्क्वायर किसकी इक्वल है, 25, 5 जा 25, और 12 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पे 12 को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइडों से 12 को सब्ट्रैक्ट करें, तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस
बी सी प्लस सी ए। अब यहां पे 25 माइनस 12 किस इक्वल है, 13, और ये दोनों कैंसिल होते 2 इंटू, ये दोनों कैंसिल हुआ तो क्या रहते 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को फाइंड करते हैं तो डिवाइड करें किसको, 2 को ऑन बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 2। यहां पे 2 के साथ कैंसिल होते, और मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई प्राइम नंबर या ऑड नंबर आप डिवाइड करते 2 पे और आंसर आपको डेसिमल में आते तो आप उसको इसी तरह लिखे, डिवाइड मत करें। तो मैं इसको 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को एज इट लिखता हूं, और आप इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। आप अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन इस एक फार्मूले पे था। अब आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए फार्मूले क्या है, चेंज है। थैंक यू।